Dear students of 10th class, today we will discuss another question of the same exercise 5.2. That is question number 8 of the exercise 5.2 of the same chapter, Arithmetic Progression, from your textbook. इससे पहले कि आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर लें, डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे जो है 10th क्लास के वो भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. नाउ वी विल डिस्कस आवर टॉपिक दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है गिवन एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है. कौन सा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? कंसिस्टेंस ऑफ 50 टर्म्स. यहाँ पे गिवन कंडीशन है कि उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 50 टर्म्स है, टोटल उसके 50 टर्म्स है. ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12. उन 50 टर्म्स में से जो थर्ड वाली टर्म है दैट इज 12. दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 50. टोटल टर्म्स इज 50. थर्ड टर्म इज 12. दैट इज A3 इज हियर 12. इफ वी हैव A1, A2, so on up to A50. ये हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. टेकिंग A1, A2, so on up to A50 as given arithmetic progression. We have A3 is here 12 and last term is 106. That is A50. The 50th term that is whose value is 106. We have to find 29th term. वो 29th टर्म हमें ढूंढनी है. इसका सॉल्यूशन, लेट अस टेक द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. सॉल्यूशन, टेकिंग A1, A2, सो ऑन अप A3, सो ऑन अप टू A50, बी द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये हम ले रहे हैं गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. Here A3 is equal to, we have then here A3 हमारे पास था, थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म इज हियर 12 एंड A50 लास्ट टर्म इज हियर 106. ये दो टर्म हमारे पास गिवन. बट वी नो An हमारे पास किसके बराबर होता है, दैट इज A+N-1 × D. ये इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए. nth टर्म यहाँ पे A3 इज इक्वल टू 12, दिस इज वी राइट A3, बट A3 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज अस A+N-1 × D. A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस. रिमेम्बर दीज टू थिंग्स, इट इज इक्वल टू 12. सॉरी फॉर दिस, A प्लस यहाँ पे 3-1 × D इज इक्वल टू 12. थर्ड टर्म हमारे पास है, दैट इज ये हमारे पास होगा A+2D इज इक्वल टू 12. टेकिंग दिस एज फर्स्ट, A50 इज इक्वल टू 106, बट A50 इज A+50-1 × D, वायर A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज कॉमन डिफरेंस. दिस इंप्लाइज अस A+50-1 × D इज इक्वल टू 106 और A+49 × D is equal to 106. Now we get two relations or two equations here. Now we simplify these two equations, we can get value of A and value of D. As like this, यहां पे equation first है, equation second है. We can subtract in these two equations. Either we can subtract first from second or we can subtract second from first. जो हम चाहे वो हम ले सकते हैं. Here we take subtracting first from second. हम first ही subtract कर रहे हैं second से, means first के जो symbols हैं वो चेंज होंगे, बिकम ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी नेगेटिव होगा. नाउ ए विल गो, ए कैंसल होगा. 49 डी
यहाँ पे 2D है, 49D में से 2D चला जाएगा, दैट इज 47D, 47D इट इज इक्वल टू, यहाँ पे 106 में से 12 चला जाएगा, दैट इज 6 में से 2 चला जाएगा, वी विल गेट 4, यहाँ पे 0 है, दैट इज 10 में से चला जाएगा 1, दैट इज 9. नाउ 70, दैट इज डी इज इक्वल टू, डी हमारे पास होगा 94 ओवर 47, सॉरी फॉर दिस 47, 47 टू फोर, टू सेवन इज आर 14, टू फोर इज आर 8, दैट इज 47, वन इज आर 47, टू इज आर, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 2. यहां पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. अब एक का वैल्यू, डी का वैल्यू हमारे पास है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी आइदर इन फर्स्ट और सेकंड, जिसमें हम चाहे उसमें डाल सकते हैं. यहां हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे फर्स्ट में, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ डी इन फर्स्ट, वो हम फर्स्ट में डाल रहे हैं, दैट इज ए प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, और ए प्लस 4 इज इक्वल टू 12, दैट इज ए इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8. यहां पे हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 आ गया एंड कॉमन डिफरेंस 2 आ गया. वी हैव टू फाइंड हियर 29th टर्म, दैट इज सिंपली टेकिंग हियर एन एस 29. Therefore, A29, it is equal to A plus, A is here, 8 plus N minus 1, so, N minus 1, that is 29 minus 1, 29 minus 1 into D, D is here too. That is equal to 8 plus 29, that is 28 into 2, that is equal to 8 plus 2, it is our 16, 2, 4 is our 2, 2 is our 4, 4, 5, that is 56 plus 8, that is 64. ये हमारे पास 29th term of the given arithmetic progression, whose third term is 12 and last term, 50th term is 106. We have here 29th term is 64. Thank you. Have a nice day.